मौके पे वो मैं मौके पे था, मैं थोड़ा नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। किसानों की जो जिस तरह बात आप कर रही हैं, किस तरह से इनको बेनिफिट पहुंचाएंगे, क्योंकि हर जब भी गवर्नमेंट को आती है तो किसानों की बात करते हैं, उसके बाद जब बन जाती है तो कोई बात नहीं करता है। कभी नहीं हुआ कि किसान आंदोलन कर रहा है इतने महीनों के लिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कभी नहीं हुआ। आपको याद है कांग्रेस की सरकार में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो इसी तरह से एक बार किसानों का संघर्ष किया। राजीव गांधी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके जाके किसानों से बात की। जो रवैया है, इनका व्यवहार जो है किसानों के प्रति, ये पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि किसान को एकदम एक तरफ कर दिया है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपके लिए हम कुछ करेंगे। मैम आप जिस तरह से आई लखनऊ से, गड्ढे बहुत मिले होंगे आपको। सरकार कहती है कि गड्ढे हमने बिल्कुल मुक्त कर दिए, गड्ढे अभी तक हैं। जो भी वादा करी सरकार, गड्ढे देखा होगा आपने, सरकार का दावा है कि गड्ढे। ये सरकार कहती है कि विकास, पार्टी नहीं देखो समाचार, मुझे विकास नहीं दिख रहा है। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर में नंबर वन है उत्तर प्रदेश, नंबर वन किसी भी हालत में नहीं है, ये हम रोज देख रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है वो जानता है क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या हालात है। 100 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, अच्छा है कि वैक्सीन लगी है हमारे जिले के वरिष्ठ नेता बैठ गए, बहुत सारा काम है जो कोरोना में जो हुआ, बैठ जाइए। किसकी जिम्मेदारी थी जो दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह से प्रशासन ने सरकार पर आक्रमण किया, तब कहा थी सरकार आपके कार्यक्रम को? और ये वैक्सीन पिछले साल लगनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया जुलाई 2020 में, हमने 2021 की जनवरी में पहला ऑर्डर दिया वैक्सीन के लिए। तो हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल क्यों नहीं शुरू किया ये वैक्सीन लेने? जब वैक्सीन तैयार ही देश में हुई, जब बाहर देशों दूसरे देशों में आप वैक्सीन भेज रहे थे, तब आपने हिंदुस्तानियों को वैक्सीन के लिए? किसानों की जो जिस तरह से बात आप कर रही हैं, किस तरह से उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे, क्योंकि हर जब भी गवर्नमेंट कोई आती है तो किसानों की बात करती है, उसके बाद जब बन जाती है तो कोई बात नहीं करता। हमारी सरकार ने तो करके दिखाया है ना, 72,000 करोड़ हमने कर्जा माफ किया ना, तो हमने करके दिखाया है। किसान भी जानता है कि उसकी पहले क्या परिस्थिति थी, अब क्या है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसान आंदोलन कर रहा है इतने महीनों के लिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कभी नहीं हुआ। आपको याद है कांग्रेस की सरकार में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो इसी तरह से एक बार किसानों का संघर्ष किया, राजीव गांधी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके जाके किसानों से बात की। ये जो रवैया है, इनका व्यवहार जो है किसानों के प्रति, ये पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है कि किसान को एकदम एक तरफ कर दिया है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपके लिए हम कुछ करेंगे भी नहीं। मैम आप जिस तरह से आई लखनऊ से, गड्ढे बहुत मिले होंगे आपको। सरकार कहती है कि गड्ढे हमने बिल्कुल मुक्त कर दिए, गड्ढे अभी तक हैं। जो भी वादा करी सरकार, गड्ढे देखा होगा आपने, सरकार का दावा है। देखिए, ये सरकार कहती है कि विकास किया है, मुझे विकास नहीं दिख रहा है। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर में नंबर वन है उत्तर प्रदेश, नंबर वन किसी भी हालत में नहीं है, ये हम रोज देख रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है वो जानता है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात है। कार्यक्रम 100 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, अच्छा है कि वैक्सीन लगी है, लेकिन बहुत सारा काम है जो कोरोना में जो हुआ, वो किसकी जिम्मेदारी थी? जो दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह से प्रशासन ने, सरकार ने पब्लिक पर आक्रमण किया, तब कहाँ थी सरकार आपके कार्यक्रम को? और ये वैक्सीन पिछले साल लगनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया जुलाई 2020 में, हमने 2021 की जनवरी में पहला ऑर्डर दिया वैक्सीन के लिए। तो हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल क्यों नहीं शुरू किया ये वैक्सीन? जब वैक्सीन तैयार ही देश में हुई,
जब बाहर देशों दूसरे देशों में आप वैक्सीन भेज रहे थे तब आपने हिंदुस्तानियों को वैक्सीन क्यों नहीं कर दिया? किसानों की जो जिस तरह बात आप कर रही हैं, किस तरह से इसको बेनिफिट पहुंचाएंगे? क्योंकि हर जब भी गवर्नमेंट को आती है तो किसानों की बात करते हैं, उसके बाद जब बन जाती है तो कोई बात नहीं करता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसान आंदोलन कर रहा है इतने महीनों के लिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कभी नहीं हुआ। आपको याद है कांग्रेस की सरकार में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो इसी तरीके से एक बार किसानों का संघर्ष किया। राजीव गांधी जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके जाके किसानों से बात की। जो रवैया है, इनका व्यवहार जो है किसानों के प्रति, ये पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि किसान को एकदम एक तरफ कर दिया है कि आपकी सुनवाई नहीं होती, आपके लिए हम कुछ करेंगे। मैम अब जिस तरह से आई लखनऊ से, गड्ढे बहुत मिले होंगे आपको। सरकार कहती है कि गड्ढे हमने बिल्कुल मुक्त तक है, गड्ढे अभी तक है। जो भी वादा करी सरकार, गड्ढे देखा होगा आपने, सरकार का दावा है। देखिए, ये सरकार कहती है कि विकास नहीं दिख रहा है, मुझे विकास नहीं दिख रहा है। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर में नंबर वन है उत्तर प्रदेश, नंबर वन किसी भी हालत में नहीं है, ये हम रोज देख रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है वो जानता है क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या हालात है। 100 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, अच्छा है कि वैक्सीन लगी है हमारे जिले के वरिष्ठ नेता बैठ गए। बहुत सारा काम है जो कोरोना में जो हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी? जो दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह से प्रशासन ने सरकार पर आक्रमण किया, तब कहाँ थी सरकार आपके कार्यक्रम को? और ये वैक्सीन पिछले साल लगनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि अमरीका ने ऑर्डर दिया जुलाई 2020 में, हमने 2021 की जनवरी में पहला ऑर्डर दिया वैक्सीन के लिए। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले साल क्यों नहीं शुरू किया ये वैक्सीन लेना? जब वैक्सीन तैयार ही देश में हुई, जब बाहर देशों दूसरे देशों में आप वैक्सीन भेज रहे थे, तब आपने हिंदुस्तानियों को वैक्सीन क्यों नहीं?